नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। क्या आप अपने लिए एक विला देख रहे हैं? तो मैं आपको लेके आई हूँ एक अमेजिंग विला की तरफ, जो कि रहने वाला है फुली फर्निश्ड स्मार्ट विला आपको मिलने वाला है। अगर इसके लोकेशन की बात की जाए तो DLF हाई पार्क न्यू चंडीगढ़ में इसकी लोकेशन रहने वाली है। आप विला की एलिवेशन आप देख सकते हैं, क्लासिक लुक में इसको तैयार किया गया है। ईस्ट फेसिंग विला रहने वाला है, मेंटेन पार्क आपको विला के पास मिलने वाले हैं। अब मैं बात करूँ विला के सामने के गेट की, तो इसमें वुडन प्लस आयरन का पूरा वर्क किया हुआ है। कितने ब्यूटीफुल तरीके से इसको तैयार किया है। 8 फीट का हमारा ब्रह्म आ गया, 40 फीट की हमारी वाइड रोड आ गई है। मेरी राइट हैंड में आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ग्रीन एरिया के लिए स्पेस दी गई है। आप यहाँ पे ग्रीन एरिया अपने अकॉर्डिंग जो है डिज़ाइन कर सकते हैं। अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अंदर की साइड चलते हैं। तो अब हम आ चुके हैं हमारे विला के अंदर। विला के अंदर एंटर करते ही आपको बहुत अच्छी जो है स्पेस मिलने वाली है। यहाँ पे आप इजीली अपनी 2 कार जो है पार्क कर सकते हैं, 2 व्हीलर्स व्हीकल जो है आप अपनी यहाँ पे इजीली पार्क कर सकते हैं। साइड में आपको ग्रीन एरिया दिया गया है, इसको अपने अकॉर्डिंग आप जो है डिज़ाइन कर सकते हैं। साइड में ही आपको एक बहुत अच्छी स्पेस मिल रही है, जिसको आप एज अ सिटिंग एरिया भी बना सकते हैं। आप अपनी मॉर्निंग एंड इवनिंग की जो चाय है वो यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं हमारे विला के मेन एंट्रेंस पर। मेन एंट्रेंस पे आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ग्रीनरी यहाँ मेंटेन की गई है। फॉल सीलिंग की बात की जाए, वुडन टच के साथ फॉल सीलिंग तैयार की है। फोकस लाइट यहाँ पे यूज़ की गई है। आप देख सकते हैं 9 फीट का यहाँ पे आपको वुडन डोर मिलने वाला है। यहाँ पे टच नंबर प्लस की से आप जो है अपने डोर को ऑपरेट कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं हमारे विला के अंदर। तो अब हम आ चुके हैं हमारे विला के अंदर। विला के अंदर एंटर करते ही आप देख सकते हैं हमारा फॉयल एरिया आ गया है, जिसको वुडन टच के साथ पूरा तैयार किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने बहुत प्यारा जो है मिरर यूज़ किया है। साइड टेबल यहाँ पे ऐड की हुई है। आप देख सकते हैं इसकी फॉल सीलिंग कितनी ब्यूटीफुल तरीके से वुडन टच में तैयार की गई है। शैंडलियर यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल यूज़ किए गए हैं। मेरे राइट हैंड में ही आपको यहाँ पे एक वॉशरूम मिल जाएगा। आप देख सकते हैं इसको कितने रॉयल तरीके से तैयार किया गया है। ब्लैक कलर के यहाँ पे टाइल्स यूज़ किए हैं, वॉल टू वॉल यहाँ पे टाइल्स यूज़ किया गया है। ब्रांडेड फिटिंग्स यहाँ पे की जा रही है। अब हम चलते हैं हमारे ड्राइंग एरिया की तरफ। अब देख सकते हैं काफ़ी अच्छी स्पेस में हमें यहाँ पे हमारा ड्राइंग एरिया मिलने वाला है। 12 सीटर यहाँ पे सोफ़ा लगने के बावजूद भी यहाँ पे इतनी अच्छी स्पेस है कि ईजिली 14 से 15 लोग बैठ सकते हैं। आप देख सकते हैं इन्होंने फॉल सीलिंग यहाँ पे बहुत क्लासिक लुक में तैयार की हुई है। शैंडलियर बहुत क्लासिक यहाँ पे लगाया है। पूरा एक लैविश लुक या क्लासिक लुक कह सकते हैं हम। इतनी ब्यूटीफुल तरीके से इस ड्राइंग रूम को सजाया गया है। तो ये देखा आपने हमारा ड्राइंग एरिया। अब हम चलते हैं हमारे फैमिली लॉन्ज की तरफ। आप देख सकते हैं साइड में इन्होंने 6 सीटर जो है हमारा सोफ़ा यहाँ पे ऐड किया हुआ है। सेंट्रल टेबल यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। मैं आपको बताना चाहूँगी साइड में हमें जो है एक लिफ्ट प्रोविज़न भी मिल रही है। अगर आपके घर में कोई ओल्ड एज के पर्सन है या आपके बच्चे हैं या कोई भी है, तो वो इस लिफ्ट का मज़ा आराम से उठा सकते हैं। आप साइड में ही देख सकते हैं स्टेयर्स के नीचे आपको बहुत अच्छी स्पेस मिल रही है। आप यहाँ पे अपना बुक एरिया बना सकते हैं, बार एरिया बना सकते हैं या म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट भी आप रख सकते हैं। डबल हाइटेड लॉबी आपको यहाँ मिलने वाली है। आप फॉल सीलिंग देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल वुडन टच के साथ इन्होंने फॉल सीलिंग तैयार की हुई है। शैंडलियर की बात की जाए, कितना यूनिक शैंडलियर यहाँ पे इन्होंने यूज़ किया हुआ है। आप मेरे राइट हैंड पे देख सकते हैं पूजा एरिया के लिए बहुत अच्छा पूजा एरिया दिया गया है। आप इसे एज अ स्टोर रूम या पूजा एरिया भी क्रिएट कर सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग आप इसे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं हमारे किचन की तरफ। आप देख सकते हैं ये सभी के दिल का सबसे बड़ा और
सभी फीमेल्स के लिए मोस्ट लाइकेबल चीज़ किचन जो उन्हें सबसे ज़्यादा चाहिए होता है। तो आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल यहाँ पे आपको मॉडर्न किचन मिलने वाला है। यहाँ पे ब्लैक टाइल्स का बहुत प्यारा वर्क किया हुआ है, हॉब एंड चिमनी आपको पहले से इंस्टॉल्ड मिलने वाली है, सॉफ्ट क्लोजर के यहाँ पे कैबिनेट्स आपको मिलने वाले हैं, आपको दोनों ही साइड जो है कैबिनेट्स हाइड्रोलिक कैबिनेट्स मिलने वाले हैं, माइक्रोवेव एंड ओवन के लिए अलग से यहाँ पे आपको स्पेस दी गई है और आपको ये पहले से ही इंक्लूडेड मिलने वाले हैं। डबल सिंक आपको यहाँ पे मिलने वाला है, लाइट एंड वेंटिलेशन के लिए आपको यहाँ पे विंडो दी गई है। यहाँ पे आपको दो डोर मिलने वाले हैं, एक टफन ग्लास के साथ एक वैश डोर आपको मिलने वाला है। ये जो डोर है आपको आपकी बैक यार्ड से कनेक्ट करता है एंड आपके वेट एरिया से भी आपको कनेक्ट करता है। तो अब हम चलते हैं हमारे डाइनिंग एरिया की तरफ। आप देख सकते हैं यहाँ पे 8-seater डाइनिंग एरिया क्रिएट किया गया है। यहाँ पे 8-seater टेबल एंड चेयर्स यहाँ पे ऐड की गई है, कितने ब्यूटीफुल एंड क्लासिक लुक में इसको तैयार किया गया है। यहाँ पे शैंडलियर आप देख सकते हैं, कितना ब्यूटीफुल शैंडलियर यहाँ पे तैयार किया है। फॉल्स सीलिंग की बात की जाए, वाओ गाइस कितना ब्यूटीफुल फॉल्स सीलिंग यहाँ पे क्रिएट किया गया है। साइड में आप देख सकते हैं कैबिनेट्स या टेबल जो है आप इस तरीके का यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, इसको अपने डाइनिंग एरिया को डिज़ाइन कर सकते हैं। मिरर देख सकते हैं आप कितना ब्यूटीफुल यहाँ पे इन्होंने डिज़ाइन किया है। कर्टन की बात की जाए तो यहाँ पे आपको मोटराइज कर्टन्स मिलने वाले हैं, विंडो दी जा रही है। यहाँ पर भी आपको दो डोर मिलने वाले हैं, एक तो आपका जो रहेगा एक टफन ग्लास वाला रहेगा और एक दूसरा मैच डोर रहने वाला है। तो अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अब हम चलते हैं हमारे फर्स्ट बेडरूम की तरफ जो कि रहेगा हमारा ग्राउंड फ्लोर पे। तो अब हम आ चुके हैं हमारे फर्स्ट बेडरूम में। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्पेस में हमारा फर्स्ट बेडरूम रहने वाला है। आप देख सकते हैं किंग साइज बेड लगने के बावजूद भी यहाँ पे कितनी अच्छी स्पेस बची हुई है। यहाँ पे इन्होंने सोफ़ा ऐड किया हुआ है, सोफ़ा लगने के बावजूद भी आप देख सकते हैं वहाँ साइड में आपको बहुत अच्छी स्पेस मिलने वाली है। वहाँ पर भी आपको जो है एक विंडो मिलने वाली है जो कि आपको आपकी फ्रंट यार्ड से जो है कनेक्ट करती है। कर्टन्स मोटराइज मिलने वाले हैं पूरे घर में, आपको फ़ैन एंड एसी जो है पहले से ही लगी हुई मिलने वाली है। आप देख सकते हैं कि इतनी अच्छी स्पेस है, यहाँ पे आप अपना बार एरिया, स्टडी एरिया या आप अपने म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट वगैरह भी एड ऑन कर सकते हैं। LED पैनल की बात की जाए तो कितना क्लासिक एंड कलर कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं, कितना ब्यूटीफुल यहाँ पे इन्होंने यूज़ किया हुआ है LED पैनल के लिए। कैबिनेट्स यहाँ पे ऐड की हुई है। इस रूम के साथ आपको एक अटैच वॉशरूम भी मिलने वाला है। तो अब हम चलते हैं हमारे वॉशरूम की तरफ। आप देख सकते हैं वॉशरूम में एंटर करते ही हमारे दोनों साइड जो है कैबिनेट्स हमें मिलने वाले हैं, इतना अच्छा मिरर यहाँ पे मिलने वाला है। ड्रीम कम ट्रू वाला जो है ये विला यहाँ पे रहने वाला है आपके लिए। आज मैं ऐसा विला लेके आई हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइटनिंग के साथ जो है स्लाइडिंग डोर में जो है आपके वार्डरोब्स रहने वाले हैं। बहुत अच्छी स्पेस यहाँ पे आपको मिलने वाली है। यहाँ पे आप अपने वॉच की कलेक्शंस भी इजीली जो है मेंटेन कर सकते हैं। तो अब हम चल रहे हैं हमारे वॉशरूम के अंदर। आप देख सकते हैं साइड में ही ग्लास से शावर रूम को हाइजीन को मेंटेन करते हुए यहाँ पे पार्टीशन किया गया है। ब्रांडेड फिटिंग यहाँ की गई, वॉल टू वॉल यहाँ पे टाइल्स का बहुत ब्यूटीफुल यूज़ किया है। सेल्फी मिरर यहाँ पे ऐड किए गए हैं। तो अब हम चलते हैं हमारे सेकंड बेडरूम की तरफ। सेकंड बेडरूम हमारा जो रहेगा फर्स्ट फ्लोर पे रहने वाला है। तो अब हम चल रहे हैं हमारे सेकंड बेडरूम की तरफ। तो अब हम चलते हैं हमारे सेकंड बेडरूम की तरफ। सेकंड बेडरूम में जाने के लिए यहाँ पे आपको स्टेयर्स मिलने वाली है। आप देख सकते हैं टफन प्लस वुडन लुक में आपकी जो है स्टेयर्स रहने वाली है। साइड में आपको लाइट्स दी जा रही है। तो मेरे जस्ट सामने आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल तरीके से इन्होंने मिरर वर्क में इस वॉल को डिज़ाइन किया है। वॉल पेपर यहाँ पर यूज़ किया है, तो ये आपको मिलने वाला है। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड बेडरूम की तरफ। तो गाइस अब हम आ चुके हैं हमारे सेकंड बेडरूम में। आप देख सकते हैं क्वीन साइज बेड लगने के बावजूद यहाँ पे बहुत अच्छी स्पेस बची हुई है। यहाँ पे आप अपना जो है सोफ़ा भी ऐड कर सकते हैं, वार्डरोब यहाँ पे आप ऐड ऑन कर सकते हैं। साइड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने बेड बैक पर इन्होंने वॉलपेपर का यूज़ किया हुआ है। फॉल सीलिंग की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कितनी प्यारी यहाँ पे इन्होंने फॉल सीलिंग की हुई है। इस विंडो की बात की जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ से आप रोज़ जो है ये व्यू इन्जॉय करने वाले हैं। ये आपको फ्रंट बालकनी से आपको कनेक्ट करती है।
साइड में यहाँ पे इन्होंने कैबिनेट्स ऐड किए हैं, एलईडी के लिए अलग से स्पेस क्रिएट की हुई है। अब हम चलते हैं हमारे वॉशरूम की तरफ। यहाँ पर भी आपको अटैच वॉशरूम मिलने वाला है। वॉल टू वॉल यहाँ पे जो है टाइल्स का यूज़ किया हुआ है। हाइजीन को मेंटेन करते हुए यहाँ पे इन्होंने जो है अलग से शावर रूम का पार्टीशन किया हुआ है। मेरे राइट हैंड पे आपको वॉल टू वॉल वार्डरोब मिलने वाली है। तो अब हम चलते हैं हमारे थर्ड बेडरूम की तरफ। थर्ड बेडरूम में जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, ये हमारा लिफ्ट एरिया आ जाता है राइट हैंड पे। थर्ड बेडरूम में जाने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि हमारे पास एक स्टोर रूम के लिए भी अलग से स्पेस दी गई है। आप देख सकते हैं ये हमारा स्टोर रूम आ गया है। आप इसको बुक एरिया या अपना ऑफिस भी बना सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप इसे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलते हैं थर्ड बेडरूम की तरफ। आप देख सकते हैं थर्ड बेडरूम में जाने से पहले ये जो वॉल है इन्होंने कितने पीओपी की, कितने प्यारे वर्क के साथ की हुई है। यहाँ पे इन्होंने वॉलपेपर का बहुत ब्यूटीफुल यूज़ किया और फॉल सीलिंग आप देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल यहाँ पे तैयार की है। तो अब हम आ चुके हैं हमारे थर्ड बेडरूम में। तो थर्ड बेडरूम में एंटर करते हैं, आप देख सकते हैं बहुत अच्छी स्पेस में हमें यहाँ पे पूरा रूम मिलने वाला है। यहाँ पे बेड आपको दिया गया है। बेड लगने के बावजूद भी यहाँ पे इतनी अच्छी स्पेस है कि इसके बेड बैक पे इन्होंने वॉलपेपर बहुत ब्यूटीफुल यूज़ किया हुआ है। सोफाज ऐड किए हुए हैं। यहाँ जो ये विंडो दी जा रही है ये आपको बैक बालकनी से आपको कनेक्ट करती है। साइड में इन्होंने एलईडी पैनल के लिए अलग से स्पेस क्रिएट की हुई है। इसी के साथ आपको एक अटैच वॉशरूम भी मिलने वाला है। वॉशरूम में आपको आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉल टू वॉल जो है वार्डरोब मिलने वाला है। बहुत अच्छी स्पेस में आपको वार्डरोब मिलने वाला है। हर एक वॉशरूम में आपको मिरर मिलने वाला है, फुल लेंथ मिरर आपको मिलने वाला है, कैबिनेट्स मिलने वाले हैं। अटैच वॉशरूम जो है उनमें हाइजीन को मेंटेन करते हुए शावर के लिए अलग से पार्टीशन दी गई है। सेल्फी मिरर हर जगह ऐड किए हुए हैं। ब्रांडेड फिटिंग यहाँ पे की गई है। तो अब हम चलते हैं हमारे फोर्थ बेडरूम की तरफ। तो अब हम चलते हैं हमारे फोर्थ बेडरूम में। फोर्थ बेडरूम में जाने से पहले मैं आपको पेंट्री एरिया दिखाना चाहूँगी। एल शेप में हमारा पेंट्री एरिया रहने वाला है। अगर आपको रात को किसी भी तरीके की कोई क्रेविंग हो रही है तो आप इजीली यहाँ पे आके जो है अपना खाना वगैरह बना सकते हैं, खा सकते हैं, मैगी इंजॉय कर सकते हैं, टी इंजॉय कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं हमारे मास्टर बेडरूम की तरफ। तो अब हम आ गए हमारे मास्टर बेडरूम में। आप देख सकते हैं इसकी वॉल को कितनी ब्यूटीफुली तैयार किया है। यहाँ पे इन्होंने फ्लावर्स जो है वो ऐड किए हैं। किंग साइज़ बेड यहाँ पे ऐड किया हुआ है। सोफाज़ यहाँ पे ऐड किए गए हैं। बेड बैक पे पीओपी का बहुत प्यारा वर्क किया। लाइटनिंग की बात की जाए कितनी ब्यूटीफुल इन्होंने लाइटनिंग यहाँ पे यूज़ की है। मेरे राइट हैंड पे आपको विंडो मिलने वाली है। ये विंडो है जो आपको आपकी बैक बालकनी से कनेक्ट करती है। अब हम चलते हैं हमारे अटैच वॉशरूम की तरफ। वॉशरूम में जाने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी, जैसे कि हमारे दूसरे तीसरे कमरों में दिया था वैसे ही चौथे कमरे में भी हमें जो है वॉल टू वॉल वार्डरोब मिलने वाली है। फुल लेंथ मिरर मिलने वाला है। अटैच सबसे बड़ा वॉशरूम हमें मिलने वाला है। यहाँ पर भी शावर के लिए अलग से पार्टीशन क्रिएट की गई है। वॉशरूम आप देख सकते हैं कितनी अच्छी स्पेस में यहाँ पे क्रिएट किया। ब्रांडेड फिटिंग यहाँ पे की गई है। तो अब हम चलते हैं हमारे सर्वेंट रूम की तरफ, जो कि हमारा रहेगा लास्ट बेडरूम। तो अब हम चल रहे हैं हमारे सर्वेंट रूम। तो ये देखा आपने हमारा मास्टर बेडरूम। अब हम चलते हैं हमारे सर्वेंट रूम की तरफ। सर्वेंट रूम में जाने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी, यहाँ पे काफ़ी अच्छी आपको स्पेस मिलने वाली है। आप उसको एज अ बार एरिया भी क्रिएट कर सकते हैं। तो अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलते हैं हमारे सर्वेंट रूम की तरफ। सर्वेंट रूम में जाने के लिए भी आपको यहाँ पे स्टेयर्स मिलने वाली है। हर स्टेयर्स के सामने जो है लाइट्स यहाँ पे यूज़ की गई है। तो अब हम आ चुके हैं हमारे टेरेस पे, और टेरेस पे ही हमारा जो है सर्वेंट रूम रहने वाला है। यहाँ पे हमारे दो वॉशरूम दिए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी किंग साइड बेड लगने के बावजूद कितनी अच्छी स्पेस यहाँ पे आपको मिलने वाली है। इजीली यहाँ पे अगर आप अपनी सर्वेंट की फैमिली को भी रखना चाहें तो वो भी इजीली यहाँ पे रह सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको लिफ्ट का प्रोविजन किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको लिफ्ट, स्टेयर्स, हर तरीके की जो है फैसिलिटीज़ मिलने वाली है। फुली फर्निश्ड आपको ये पूरा विला मिलने वाला है। 350 गज में जो है आपको ये पूरा विला मिल रहा है। गाइज ड्रीम कम ट्रू वाला जो ये पूरा विला है ये आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो ये देखा आपने हमारा फुली फर्निश्ड विला।
तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो स्क्रीन में आपको नंबर दिया जा रहा है, उस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, हमारी टीम आपको जल्द से जल्द जो है कॉन्टैक्ट करेगी। और आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी रही होगी। हमारी वीडियोज़ को ढेर सारा प्यार दें, कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।